हेलो दोस्तों, इसके पहले जो हमने घड़ी का फर्स्ट वीडियो बनाया था उसमें घड़ी के डिग्री से संबंधित प्रश्न, घड़ी के नियम, घड़ी के रूल और घड़ी में क्या क्या इंपॉर्टेंट है सारी बातों को देख लिया था। और आज के वीडियो में हमें क्या देखना है, घड़ी के डिग्री से संबंधित प्रश्न के एक और टाइप के बारे में जो कि घड़ी के स्लो और फास्ट से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। हमने इसके पीछे वाले वीडियो में इसके संबंधित एक प्रश्न को देखा था और आगे वाले वीडियो में हमने और भी प्रश्न देखने की बात कही थी। तो इस वीडियो में स्लो और फास्ट से संबंधित प्रश्न और अक्षरों के व्यवस्थितकरण से संबंधित प्रश्न को देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं घड़ी के तेज और धीमे, स्लो और फास्ट से संबंधित प्रश्न की। तो देखिएगा, स्लो और फास्ट से संबंधित प्रश्न को यहाँ अगर देखें, पहले टाइप का एक प्रश्न है। यहाँ क्वेश्चन क्या दिया, क्वेश्चन दिया है रमेश की घड़ी रविवार को दोपहर 3 बजे सही समय से, 3 बजे सही समय से 5 मिनट क्या थी, पीछे थी, 5 मिनट पीछे थी। और मंगलवार को दोपहर 3 बजे, फिर से देखिए, मंगलवार की दोपहर 3 बजे सही समय से 3 मिनट आगे थी, 3 मिनट आगे थी। तो बताइए कि घड़ी ने सही समय कब बताया, सही समय की बात यहाँ पर कही गई है, घड़ी की सही समय कब बताएगी यह पूछा गया है। तो अगर आप देखें रविवार को दोपहर 3 बजे और मंगलवार को दोपहर 3 बजे, ठीक है, एक दिया है हमें समय रविवार और एक समय दिया है मंगलवार। अगर यहाँ पर देखें, ये हो क्या आपका हो गया रविवार, ठीक है, और यहां पर हो गया मंगलवार, इन दोनों के बीच में भी कुछ आता है सोमवार, ठीक है, एक रविवार सोमवार उसके बाद आएगा मंगलवार। अब देखिए कितना बज रहा है, 3 PM हो रहा है, ठीक, 3 PM यहां भी हो रहा है, 3 PM यहां भी हो रहा है। अब अगर बात करें 3 PM से 3 PM आगे चलने की, तो क्या होता है, 24 घंटा होता है। 3 PM से 3 PM अगर आप आगे चलेंगे तो कितना होगा, 24 घंटे होंगे। मतलब अगर इस 3 PM से अगर सोमवार 3 PM तक जाएंगे तो ये कितना होगा, ये दोनों होगा आपका 24 आवर्स से होगा। और इस 3 PM से अगर आप इस 3 PM पे जाएंगे तो भी कितना होगा, ये भी 24 आवर्स होगा, ठीक है। अगर अब यहाँ देखें तो 24 hours + 24 hours कितना हो गया, 48 hours, ठीक है। मतलब आपको रविवार से मंगलवार को 48 hours लगे, ठीक है, 48 hours यहाँ पर हो गए। अब अगर यहाँ पर बात करें कि सही समय कब बताया होगा, तो थोड़ा यहाँ ध्यान से देखिए, 5 मिनट पीछे थी और 3 मिनट आगे हुई, मतलब कि 5 + 3 मिनट इक्वल टू कितना हो गया, 8 मिनट, ये हो गए आपके 8 मिनट आगे हुए, कितने में, 48 आवर्स में आपकी घड़ी हुई आगे 8 मिनट, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें कि 1 मिनट कब आगे हुई, अगर यहाँ पर बात करें एक मिनट आगे होने में लगा समय, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 मिनट आगे होने में अगर समय निकालना हो हमें, तो क्या करेंगे, 48 को मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से। अब अगर आप इसको काटें तो यहाँ पर आएगा 6 आवर्स, मतलब 1 मिनट आगे होने में या 6 घंटे का समय लेगी, मतलब कि 1 मिनट आगे में या कितने, 6 घंटे का समय ले रही है। और अगर यहाँ पर बात करें 1 मिनट आगे हुए 6 घंटे का समय ले रही है, तो कितना आगे हुई है, ये आगे हुई है यहाँ पर 8 मिनट। और ऊपर क्या कहा गया है, 3 बजे सही समय से 5 मिनट आगे थी, मतलब इसको अगर 5 मिनट और आगे घड़ी चल जाए, 5 मिनट आगे चल जाए तो घड़ी सही समय बता देगी। तो सही समय अगर 5 मिनट आगे बताएगी तो क्या कर देंगे, यहाँ पर 60 आवर्स इंटू क्या करेंगे, यहाँ पर 5 मिनट आगे करना है ना, तो यहाँ पर 5 मिनट आगे ले जाएंगे, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30 आवर्स, मतलब 30 घंटे बाद हमारी जो घड़ी है वो सही समय बता देगी। आपको समझ में आया, देखिए सबसे पहले आप क्या करिए, जो भी समय दिया हो उसका और जो भी दूसरा समय दिया, दोनों के बीच में कितने घंटे की देरी है, मतलब रविवार का पहला 3 बजे समय, दूसरा समय आपका मंगलवार को 3 बजे, दोनों में यहाँ 48 आवर्स का समय लग रहा है, 48 आवर्स में हमारी घड़ी कितने आगे चल रही है, तो 8 मिनट टोटल आगे हो रही है, 5 मिनट और 3 मिनट, दो टोटल 8 मिनट।
8 मिनट आगे होने के बाद अगर 1 मिनट कम समय निकाले कि 1 मिनट घड़ी कितने समय में आगे हो रही है, तो हाँ 1 मिनट आगे होने में 6 घंटे ले रही है। अगर घड़ी हमारी 5 मिनट आगे चल जाए तो हमारी घड़ी सही समय बता देगी। हमारी घड़ी सही समय 5 मिनट आगे जाने पर बता देगी, तो 6 घंटे अगर 1 मिनट में ले रही है तो 5 अगर 5 मिनट और आगे चलेगी तो 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, आंसर हमारा आ जाएगा कि 30 घंटे अगर आगे चलेगी समय के 30 घंटे बाद हमारी घड़ी जो है सही समय यहाँ पर बता देगी। तो आंसर आपका क्या आया, 30 घंटे बाद, मतलब कि रविवार, एक तो आपका हो गया रविवार, रविवार 3 बजे पहला समय हो गया 3 PM, और यहाँ पर अगर 30 घंटे जो 24 घंटे आपके होते हैं सोमवार, सोमवार 3 PM, ठीक है, ये आपके 24 हो गए, और यहाँ 6 घंटे और जोड़ दीजिए, मतलब कि आपके टोटल सोमवार को 9 PM को सोमवार को सही समय बताएगी। तो ये आपका पहले टाइप का यहाँ प्रश्न था, स्लो एंड फास्ट से संबंधित। अब देख लेते हैं दूसरे टाइप के प्रश्न को। प्रश्न में क्या दिया है, एक घड़ी प्रत्येक घंटे 20 मिनट तेज हो जाती है, कि कितना मिनट, 20 मिनट यहाँ तेज हो जाती है यदि उसे सुबह 7 बजे, कितने बजे, सुबह 7 बजे सही समय से मिला दिया जाए तो पुनः कब सही समय दिखाएगी। तो यहाँ पर घड़ी को पुनः कब सही समय दिखाएगी यह आपको बताना है, या एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन है आपके स्लो और फास्ट से संबंधित। तो अगर इसको सॉल्व करना होगा तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर देते हैं, देखते हैं, चूँकि घड़ी आपकी समय रिपीट कब करती है, घड़ी समय रिपीट करेगी, देखिएगा घड़ी समय रिपीट करती है, कितनी देर में यह रिपीट करती है, 12 घंटे में, 12 घंटे को अगर हम मिनट में कन्वर्ट करें तो 720 मिनट आएंगे, ठीक है, 720 मिनट में यह घड़ी अपना टाइम रिपीट करती है, मतलब 12 बजता है, 12 के बाद 1 बजता है, फिर 12 घंटे बाद फिर क्या बजता है, 12 1 ऐसे लगा रहता है, ठीक है, तो 720 मिनट बाद या कहें 12 घंटे बाद अपना समय रिपीट कर रही है। अब यहाँ पर क्या दिया है, चूँकि प्रत्येक घंटे घड़ी क्या हो रही है, प्रत्येक घंटे मतलब 1 घंटे में, घंटे में तेज हो रही है घड़ी, कितना तेज हो रही है, तो 20 मिनट तेज हो रही है। अगर यहाँ पर बात करें 1 मिनट, 1 मिनट में कितना तेज हो रही है, देखिएगा 1 मिनट में तेज हो रही है घड़ी इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/20, ठीक है, 1/20 यहाँ पर आपका हो जाएगा, मतलब 1 घंटे 1 मिनट में 1/20 मिनट तेज हो रही है, ठीक है, यह घड़ी आपकी। तो अब अगर यहाँ पर बात करें कि 720 मिनट कब तेज होगी, अगर यहाँ पर बात करें 720 मिनट में तेज होगी, अब अगर यहाँ पर देखें तो क्या हो जाएगा 1/20 × 720, ठीक है, अगर अब इसको आप सॉल्व करें तो आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा, मतलब 720 मिनट में अगर आपका घड़ी तेज होगी तो घड़ी का सही समय बताएगी, क्योंकि आपने 7 बजे उसको सही समय मिलाया था, प्रत्येक घंटे वो क्या हो रही है, प्रत्येक घंटे 20 मिनट तेज हो रही है, तो 720 मिनट तेज होने के बाद फिर से वही समय अपना रिपीट करेगी। तो अगर आप यही सॉल्व आप कर ले, मतलब कि 720 को सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या करेंगे, 0 से 0 कैंसिल कर देंगे और 2 से 72 को कैंसिल करेंगे, कितना आ जाएगा 36 आवर्स तेज होने के बाद घड़ी पुनः सही समय बताएगी। 7 बजे अगर मिलाया गया तो 7 बजे से 36 आवर्स आप ऐड कर दीजिए, आपकी घड़ी इतने समय बाद सही समय बताएगी। ये तो था एक बेसिक तरीका था ये लगाने का, लेकिन आप एग्जाम में तो ये नहीं कर सकते, एग्जाम में आपको क्या करना होगा, शॉर्ट ट्रिक यूज करनी होगी। शॉर्ट ट्रिक क्यों, शॉर्ट ट्रिक क्योंकि आपको वहाँ पर फास्टली कैलकुलेशन करना होगा, फास्टली आपको सॉल्व करना होगा। तो आप कैसे वहाँ पर सॉल्व करेंगे, फास्टली सॉल्व करने के लिए यहाँ पर सबसे अच्छा देखिए क्या है, इसका एक ट्रिक है, हावर्स अपॉन मिनट, मतलब घंटा अपॉन मिनट इंटू 720। अब देखिए जो आप घंटा दिया उसको लिख दीजिए, जो मिनट है उसको लिख दीजिए, और 720 से यहाँ पर गुणा होगा, ठीक है, यह आपका एक फार्मूला, यह फार्मूला आप याद रखिए, जहाँ भी ऐसे प्रश्न आपको मिले आप ये फार्मूला रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिएगा इस फार्मूले पर रखते हैं तो घंटा क्या दिया है, घंटा यहाँ पर क्या पूछा है, एक प्रत्येक घंटे में 20 मिनट तेज हो रही है, मतलब एक घंटे में कितना मिनट कितना दिया है, 20 मिनट तेज हो रही है और गुणे 720, फिर से वही बना कि नहीं बना जो हमने अभी यहाँ सॉल्व किया था, फिर से वही बना,
जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, टू से 72 कैंसिल हो गया, 36 आपका 36 घंटा आपका आंसर आ गया। मतलब आंसर कितना आया, आंसर आपका आ गया 36 हावर्स। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न को आप इस फार्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया, अगले क्वेश्चन में लिखा है एक घड़ी प्रत्येक घंटे 10 मिनट तेज हो जाती है और दूसरी घड़ी प्रत्येक घंटे में 10 मिनट धीमी हो जाती है, यदि इन्हें मंगलवार शाम 5 बजे सही समय मिला दिया जाए तो ये पुनः कब सही समय दिखाएंगी। यहाँ पर दो घड़ियों की बात कही है, एक घड़ी तेज हो रही है, एक घड़ी धीमी हो रही है। अब इसको अगर आप बेसिक से सॉल्व करेंगे एग्जाम में बहुत टाइम लेने वाला है, लेकिन हम इसको ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करेंगे, फार्मूले के माध्यम से सॉल्व करेंगे। तो कैसे आप इसको फार्मूले के माध्यम से सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर देखिएगा फार्मूला क्या है, आपका ट्रिक्स क्या है, ट्रिक आपकी क्या कहती है। ट्रिक में है हावर्स, मतलब घंटा पान यम वन प्लस माइनस यम टू इंटू 720। ठीक है, यह आपका फार्मूला है, ये आपकी ट्रिक है। अब यहाँ पर देखिए एक चीज और दिया है, यहाँ पर आपका है प्लस और माइनस, एक प्लस है एक माइनस। अब प्लस कब यूज करेंगे, माइनस कब यूज करेंगे, देखिएगा यम वन प्लस यम टू, ठीक है, एक तो ए हो गया और एक होता है यम वन माइनस यम टू, यह कब यूज करेंगे और यह कब यूज करेंगे। तो अगर देख बात करें यहाँ पर प्लस वाले की, तो अगर जहाँ भी प्लस आए, अगर यहाँ पर स्लो एंड फास्ट और फास्ट एंड स्लो, मतलब कहने का मतलब क्या है, अगर आपकी एक घड़ी स्लो है दूसरी फास्ट है, या फिर कहिए कि एक घड़ी फास्ट है या फिर दूसरी स्लो है, मतलब कि दोनों घड़ियाँ सेम ना चले, तेज तेज ना चले, फास्ट स्लो स्लो ना चले, आपकी एक घड़ी या तो स्लो हो या तो फास्ट हो, या घड़ी दूसरी घड़ी भी उससे विपरीत हो, अगर वह स्लो है दूसरी फास्ट होनी चाहिए, अगर फास्ट है दूसरी स्लो होनी चाहिए, ऐसी कंडीशन में आप प्लस को यूज करेंगे यहाँ पर। अगर आपका यहाँ पर घड़ी दोनों से दो घड़ी की बात करी रहेगी ऐसे प्रश्न में, अगर पहली भी घड़ी स्लो है दूसरी भी घड़ी स्लो है, पहली फास्ट है दूसरी फास्ट है, तो आप वहाँ पर क्या यूज करेंगे, माइनस का। तो दूसरे के लिए क्या यूज होगा, पहले के लिए तो हमने देखा स्लो फास्ट के लिए प्लस, और यहाँ पर अगर देखें बात करें स्लो एंड स्लो फास्ट एंड फास्ट, अगर यहाँ पर बात करें फास्ट एंड फास्ट स्लो एंड स्लो की, तो यहाँ पर आप माइनस यूज करेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर आप यहाँ पर देखिए तो क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में दोनों घड़ियों की बात अलग कही गई, मतलब यम वन प्लस यम टू की बात यहाँ पर है, क्योंकि एक घड़ी आपकी स्लो है दूसरी घड़ी आपकी फास्ट है। तो देखिएगा पहली घड़ी क्या हो रही है, तेज हो रही है, और दूसरी घड़ी प्रत्येक घंटे में 10 मिनट धीमी हो रही है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस का यूज करेंगे। तो प्लस का यूज करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, ये ट्रिक्स जो हमने आपको बताया, ट्रिक्स आपको रखनी है यहाँ पर। ट्रिक्स रखेंगे तो सबसे पहले हावर्स दिया है, घंटा दिया है, तो क्या देखिए प्रत्येक घंटे का मतलब वन अपान क्या दिया है, यम वन प्लस यम टू। यम वन का क्या मतलब है, 10 मिनट, जो पहला आपका मिनट यहाँ पर दिया है वो, और दूसरा मिनट जो आपका दिया है यम टू हो गया। तो यहाँ पर क्या है 10 + 10 × 720, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करिए तो क्या करेंगे, 1/20 × 720। अब इसको सॉल्व करेंगे, जीरो से जीरो कैंसिल कर देंगे, टू से अगर 72 को कैंसिल करेंगे, 36 आवर्स, मतलब 36 घंटे बाद आपकी पुनः घड़ी सही समय बताएगी, ठीक है। तो यह आपका आंसर हो जाएगा, आंसर आपका होगा 36 हावर्स। अगर अब आप इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आएंगे तो आप इस ट्रिक के माध्यम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर यहाँ पर स्लो स्लो की बात या फास्ट फास्ट की बात कही रहेगी तो आप माइनस का यूज करेंगे, स्लो फास्ट और फास्ट स्लो की बात कही रहेगी तो आप प्लस का यूज करेंगे। तो यह ट्रिक सब बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर सकते हैं। में दिया क्या है क्वेश्चन में, एक घड़ी को जब सोमवार शाम को 4 बजे देखा गया तो 4 मिनट तेज चल रही थी, जब बुधवार को वही घड़ी देखा गया सुबह 4 बजे तो 8 मिनट धीमी चल रही थी। तो इसमें बताना है कि घड़ी सही समय कब दिखाया था, क्वेश्चन में घड़ी का सही समय पूछा। एक घड़ी है जो कि फास्ट चल रही थी, बाद में उसको देखा गया तो वह स्लो चल रही थी, अब ये बताना है कि वह घड़ी सही समय कब दिखाई थी। इस टाइप के प्रश्न में जहाँ एक घड़ी की बात हो और समय उसका अलग अलग हो, समय कभी तेज कभी स्लो हो, तो उसके लिए जो ट्रिक है, ट्रिक क्या यूज करेंगे आप, ट्रिक को देखिएगा थोड़ा, ट्रिक क्या कहता है, यम वन मतलब मिनट, जो मिनट पहले दिया उसको यम वन अपान
यम वन प्लस माइनस यम टू इंटू हावर्स, मतलब घंटा। ये आपकी ट्रिक है। अब इसी ट्रिक पर आप सारे इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर प्लस माइनस जो है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने जो बताया था कि आप प्लस का यूज करेंगे, आप माइनस का यूज करेंगे, उसी हिसाब से इस प्लस माइनस को आप एडजस्ट करेंगे, ठीक है। अगर आपकी जो घड़ी है फास्ट और स्लो में चल रही है, कभी फास्ट हो रही है फिर स्लो हो रही है, तो आप प्लस का यूज करेंगे। अगर आपकी घड़ी स्लो है या फिर फास्ट या फास्ट है, तो आप माइनस का यूज करेंगे। आप देखिएगा इस पर, आप पहले क्वेश्चन को अपने रखिए, उसके बाद आपका आंसर मिल जाएगा। अगर आप बेसिक को सॉल्व करेंगे तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, और जो कि आपके परीक्षा में क्या होता है कि टाइम आपको सेविंग करना होता है, टाइम आपको बचाना होता है, तो आप ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करिए, बहुत अच्छे से आप सॉल्व कर ले जाएंगे। आप देखिएगा आप इस फार्मूले पे कैसे रखेंगे क्वेश्चन को। सबसे पहले आपको घंटा निकालना होगा, हावर्स क्या है, कितने हावर्स में पूछा है। आप देखिए यहाँ पर हावर्स आपको निकालना होगा, घंटा निकालना होगा, तो आप करेंगे क्या, सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि क्या एक घड़ी को जब सोमवार, टाइम क्या है सोमवार, तो यहाँ लिख लेंगे सोमवार, ठीक है, सोमवार 4 बजे, शाम 4 बजे मतलब 4 PM, 4 PM हो गया, देखा गया तो घड़ी क्या 4 मिनट तेज चल रही थी, मतलब 4 मिनट प्लस 4 मिनट तेज चल रही है, ठीक है। उसके बाद चल रही थी जब बुधवार को सुबह 4 बजे देखा गया तो 8 मिनट धीमी चल रही थी। ये है यहाँ पर बुधवार, मान लीजिए बुधवार, ठीक है, ये बुधवार है, इसको कब देखा गया 4 बजे सुबह, 4 AM, 4 AM पे देखा गया, तो क्या है 8 मिनट यह धीमी चल रही थी, मतलब -8 मिनट इसको कर दीजिए, ठीक। ये आपका हो गया सोमवार, और यहाँ पे आपका ये हो गया बुधवार। अब सोमवार और बुधवार के बीच में भी तो कोई दिन आता होगा, मतलब मंगलवार आता है, ठीक है, सोमवार मंगलवार बुधवार, तो यहाँ पर क्या और मांग लेंगे, मंगलवार, मंगलवार। अभी आपका होगा सोमवार, मंगलवार और बुधवार, ठीक। अब देखिए सोमवार से मंगलवार मतलब 4 बज के, शाम को 4 बजे, 4 PM, और ये भी क्या है 4 PM मान लीजिए इसको, 4 PM टू 4 PM कितने घंटे होते हैं, मतलब आपके ये हो गए टोटल यहाँ से यहाँ तक के आपके 24 घंटे हो गए। अब मंगलवार 4 PM से सुबह 4 PM तक कितना होगा, शाम को 4 बजे से सुबह 4 बजे का टाइम कितना घंटा हो गया, 12 घंटा। तो आपका ये मंगलवार से बुधवार कितने हो गए, 12 घंटे, ठीक, ये हो गए 24 घंटे और ये हो गए 12 घंटे। अगर टोटल हम दोनों को ऐड कर दें तो यहाँ सोमवार से बुधवार का टाइम कितना हो जाएगा, 36 घंटे, 36 घंटे आपके यहाँ समय हो जाएगा। अब आपको यहाँ समय मिल गया, घंटा मिल गया, आवर मिल गया, 36 घंटा मिल गया, ठीक है। अब आपको जो M1 है, M1 क्या है आपका, M1 देखिए, M1 यहाँ पर दिया है, देख 4 बजे देखा गया तो 4 मिनट, M1 एक 4 है, इसको M1 है, ठीक। जब दूसरा समय M2 क्या है, सुबह 4 बजे देखा गया तो क्या 8 मिनट, ये क्या है M2 है, M2 आपको मिल गया, और आपका ये 36 घंटा मिल गया, H मिल गया यहाँ पर। अब क्या करेंगे, इसको आप इस फार्मूले पर रखिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो आइए फार्मूले पर इसको रखते हैं। अब अगर यहाँ पर फार्मूले की बात करें तो देखिएगा फार्मूला क्या कहता है, M1 upon M1 plus M2, क्योंकि आपका यहाँ देखिए एक तेज चल रहा है एक स्लो चल रहा है, जहाँ आपको स्लो स्लो तेज तेज फास्ट फास्ट मिलेगा वहाँ पर आप माइनस का यूज करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम यहाँ पर प्लस का यूज कर रहे हैं, ठीक है। M1 आपका क्या है, 4 है, अपान M1 4 प्लस 8 into 36, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करिए क्या आंसर आता है, देखिए 4 upon 8 और 4 कितना होता है, ये होता है 12, ठीक है, into 36। अब अगर इसको आप डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 4 को काटेंगे 12 से कितना होगा, 3 होगा, तो क्या हो गया 1 upon 3 into 36। अब इसको काटिए क्या होगा, इक्वल टू, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या, इसको काटेंगे तो क्या होगा, 3 से 36 काटेंगे तो 12 आ जाएगा, मतलब आपका आंसर जो निकल के आएगा वो 12 घंटे बाद आपकी घड़ी क्या होगी, सही समय बताएगी।
आपका जो समय है कि सुबह 4 बजे देखा गया 4 मिनट तेज चल रही थी और बुधवार की सुबह 4 बजे देखा गया तो 8 मिनट धीमी चल रही थी। घड़ी सही समय कब बताई होगी, तो मतलब 12 घंटे बाद, जब 4 बजे आपने देखा तो 4 बजे के बाद 12 घंटे आप ऐड कर लीजिए, आपकी समय घड़ी सही समय बताएगी। मतलब 4 बजे शाम को देखा गया तो वह 4 बजे सुबह जो है सही समय बता रही थी घड़ी, तो आंसर क्या हो गया, 12 घंटा। ये 12 घंटा आपका आंसर हो गया। अब ये तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर हो गया समाप्त। तो अब यहाँ पर बात कर लेते हैं अक्षरों के व्यवस्थीकरण से संबंधित प्रश्न की। अक्षरों के व्यवस्थीकरण से संबंधित प्रश्न जो आएगा, यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा है एक टाइप का, क्वेश्चन में क्या दिया है, यदि घड़ी के डायल पर स्थित अंकों के स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को इस प्रकार से व्यवस्थित कर दिया जाए कि अंक एक के स्थान पर अक्षर डी आ जाए, इसी प्रकार अंक दो के स्थान पर ई आ जाए और आगे इसी तरह परिवर्तन का क्रम जारी रहे तो अंक 9 के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। अंग्रेजी वर्णमाला को यहाँ पर डायल के स्थान पर जो अंक लिखे होते हैं उसको चेंज कर रहा है, परिवर्तन कर रहा है और पूछ रहा है कि अंक 9 के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। तो डायल क्या होता है, डायल हमने आपको क्या बताया था कि जो आपका गोला वाला भाग होता है जिसमें आपके यहाँ पर नंबर्स लिखे होते हैं वही डायल कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ क्या कहा है कि अंक एक के स्थान पर, जो यहाँ पर एक होगा अगर इसके स्थान पर यहाँ पर बोला है कि अक्षर डी आ जाए, यहाँ पर डी आ जाए, दो के स्थान पर ई आ जाए और इसी तरह परिवर्तन का क्रम जारी रहे तो इस 9 के स्थान पर क्या आएगा। तो 9 की वैल्यू यहाँ पर पूछा है कौन सा अक्षर इसके स्थान पे आएगा। इस तरह के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे, इस तरह को अगर क्वेश्चन आप बेसिक से सॉल्व करेंगे तो बहुत टाइम आपका लग सकता है, लेकिन आप ट्रिक से कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बात इसमें यह है कि आपको क्रमिक स्थानीय मान पता होना चाहिए अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का। अगर आपको क्रमिक स्थानीय मान नहीं पता तो आपको यह क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। कोई बात नहीं, अगर आपको क्रमिक स्थानीय मान नहीं पता है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर इसका हमने एक वीडियो बनाया हुआ है जो कि अक्षरों पे अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आएंगे, जितने भी ट्रिक्स हैं और जितने भी उसके इम्पॉर्टेंट रूल हो सकते हैं हमने सारे वहाँ पर बताने की पूरी कोशिश की है। अगर वहाँ पर कोई छूटा है तो हम आगे उसको भी बता देंगे, लेकिन आप उस वीडियो को पहले देखिए तब आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। या क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको वह वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। तो अब यहाँ पर अगर बात कर लेते हैं क्रमिक स्थानीय मान की, थोड़ा सा यहाँ पर देखिएगा, एक उसमें हमने ट्रिक भी बताया है इजोटी के, इजोटी या ट्रिक हमने उस वीडियो में भी बताया है। तो उसमें क्या होता है, इजोटी में जो आपका ई होता है ये 5वें नंबर पे, ये 10वें नंबर पे, 15वें नंबर पे, 20वें पे और 25वें पे, ऐसे इसका मान आता है। क्रमिक स्थानीय मान का मतलब होता है कि आपका जो अक्षर लेटर ए टू जेड को अगर एक निश्चित क्रम में रखा जाए, सुव्यवस्थित क्रम में रखा जाए तो जो स्थान, जो लेटर जिस स्थान पर आएगा वही उसका क्रमिक स्थानीय मान होगा। जैसे हम कह सकते हैं ए को हम पहले स्थान पे है तो एक कह सकते हैं, बी को दूसरे स्थान पे दो, सी को तीसरे पे तीन, इसी तरह अगर जेड की बात करें 26वें स्थान पे इसको 26 नंबर देंगे, इसी तरह यह इसका क्रमिक स्थानीय मान हो जाता है। तो अब बात करें कि ट्रिक्स क्या कहती है, ट्रिक्स कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं ट्रिक के माध्यम से। ट्रिक को देखिएगा थोड़ा, बहुत ही अच्छी ट्रिक है। ट्रिक क्या कहता है, ट्रिक कहता है RL = SLV ± DD, ठीक है। अब RL क्या है, SLV क्या है, प्लस माइनस और DD, इन सबको एक बार देख लेते हैं। ट्रिक हमारी क्या कहती है, RL = SLV ± DD। अब अगर आपको पता नहीं है कि RL क्या है, SLV क्या है, DD क्या है, तो आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले अगर बात कर लेते हैं इन वर्डों की, RL की, SLV की और DD की, तो यहाँ पर थोड़ा देखिएगा, RL, SLV और DD, अगर इनकी बात करें तो RL का मतलब क्या होता है, रिक्वायर्ड लेटर। RL का फुल फॉर्म होता है रिक्वायर्ड लेटर, रिक्वायर्ड लेटर का क्या मतलब है कि जो आपसे पूछा जाए, जिस स्थान पर अक्षर के आने का मान पूछा जाए,
जैसे कि क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे 9 के स्थान पर कौन सा मान आएगा, 9 के स्थान पर कौन सा मान आएगा, तो रिक्वायर्ड लेटर में क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड लेटर को हम कह सकते हैं कि 9 आएगा, यहाँ पर रिक्वायर्ड लेटर हमारा 9 हो जाएगा। ठीक है, अब एस एल वी की बात करें, एस एल वी क्या होगा, एस एल वी का मतलब होता है स्टार्टिंग लेटर वैल्यू। देखिए स्टार्टिंग लेटर वैल्यू, स्टार्टिंग लेटर वैल्यू का क्या मतलब होता है, स्टार्टिंग लेटर वैल्यू का मतलब होता है कि जिस अंक से व्यवस्थितकरण का मान शुरू हो, जहां से व्यवस्थितकरण शुरू होता है वही होता है स्टार्टिंग लेटर वैल्यू। जैसे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर आप यहां पर देखेंगे कि एक के स्थान पर क्या आ रहा है, अच्छा डी आ रहा है, तो मतलब एक के स्थान पर डी आ रहा है, तो स्टार्टिंग लेटर वैल्यू क्या हो जाएगा, हमारा डी हो जाएगा, स्टार्टिंग लेटर वैल्यू क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से, स्टार्ट हमारा डी से ही हो रहा है ना, डी से स्टार्ट हो रहा है, डी आ जा रहा है। ठीक है, अब अगर बात करें डी डी क्या है, डी डी का क्या मतलब होता है, डिजिटल डिफरेंस। अब डिजिटल डिफरेंस क्या होता है, देखिएगा डिजिटल डिफरेंस किसको कहते हैं, डिजिटल डिफरेंस का मतलब होता है कि जहाँ से आपका मान स्टार्ट हो और जहाँ तक पूछा जाए उसके बीच का अंतर क्या होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर यहाँ पर देखें कि एक से हमारा स्टार्ट है और 9 तक गया है, मतलब कि एक से स्टार्ट हो रहा है, एक के स्थान पर डी आ रहा है और 9वें स्थान का मान यहाँ पर पूछा है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो आएगा वो हमारा डिजिटल डिफरेंस हो जाएगा। तो क्या करते हैं, जो बड़ी वाली संख्या होता है उसमें से हम छोटी वाली संख्या को माइनस कर देते हैं, इक्वल टू क्या आ जाएगा, जो भी आपका आंसर आएगा वो आपका डिजिटल डिफरेंस हो जाएगा। तो यहाँ पर 8 आपका डिजिटल डिफरेंस हो जाएगा। अब आपको क्या समझ में आएगा, रिक्वायर्ड लेटर क्या है, आरएल क्या है, एसएलबी क्या है, डीडी क्या है, या तो आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं एक और चीज़ की, यहाँ पर देखिएगा एक प्लस है एक माइनस है। अब प्लस का यूज़ कहाँ करेंगे, माइनस का यूज़ कहाँ करेंगे, अगर आपको बता दें कि अगर यहाँ पर वैल्यू इंक्रीज हो रही है, मतलब कि लेटर जैसे बढ़ रहे हैं, ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, डी के बाद ई, ऐसे आ रहा है लेटर, इंक्रीज हो रहा है, वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो वहाँ पर आप प्लस का यूज करेंगे। और अगर वैल्यू डिक्रीज हो रही है, मतलब कि अगर देखिए डी आ रहा है, ई आ रहा है, सी आ रहा है, बी आ रहा है, ए आ रहा है, मतलब उल्टे क्रम में उसके चल रहा है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस का यूज करेंगे। प्लस का यूज करेंगे जब वैल्यू इंक्रीज होगी, और जब वैल्यू डिक्रीज होगी तो आप वहाँ पर माइनस का यूज करेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो रहा है, वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, प्लस का यूज करेंगे। ठीक है, ट्रिक्स में आप क्या यूज करेंगे, प्लस का यूज करेंगे। तो अब बात कर लेते हैं इसके ट्रिक्स पर, किस तरह रखेंगे, कैसे इसको आप सॉल्व करेंगे। और यहाँ पर जो हमने बात की थी कि आपको इसका क्रमिक स्थानीय मान पता होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, क्योंकि अभी देखिएगा वैल्यू जब आपका आंसर आएगा तो आपको क्रमिक स्थानीय मान आपको बहुत हेल्प करेगा उसमें, क्योंकि जब तक आपको क्रमिक स्थानीय मान नहीं पता होगा तब तक आप इसकी वैल्यू निकाल नहीं सकते। अब यहाँ पर बात करें आर एल क्या है, हमारा आर एल क्या मिला, 9 इक्वल टू एस एल वी क्या मिला, डी, डी का क्रमिक स्थानीय मान। अब देखिए यहाँ पर डी का क्रमिक स्थानीय मान क्या होगा, क्योंकि डी तो आप लिख नहीं सकते, तो आपको क्रमिक स्थानीय मान यहाँ पर लिखना होगा। तो क्रमिक स्थानीय मान कैसे पता चलेगा, या तो आप इजोटी से देखिए, नहीं तो आप ए टू जेड को लिखिए, उसका एक एक नंबर, उसका क्रम दीजिए, ए को 1, बी को 2, ऐसे दीजिए और फिर उसको देखिए। तो यहाँ पर ई का अगर देखिए 5 है, तो इसके पहले डी आता है, डी का क्या होगा, 4 होगा, तो यहाँ पर 4। और जैसे कि हमने बताया कि वैल्यू हमारी इंक्रीज हो रही है, तो क्या करेंगे, प्लस का यूज करेंगे। उसके बाद अब डिजिटल डिफरेंस क्या हमारा निकल के आया था, डिजिटल डिफरेंस 8 निकल के आया था। अब क्या आ जाएगा, 9 इक्वल टू, अगर दोनों को 8 एंड 4 को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 12 हो जाएगा। अब 12 का क्या मान होता है, 12 का क्या मान होता है, कैसे आप पता करेंगे, तो आपका जो भी लेटर 12 के स्थान पर आएगा वही वो मान हो जाएगा, 9 के स्थान पर वही अक्षर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा जे किस स्थान पर आ रहा है, 10वें। जे के बाद क्या आता है, के बाद क्या आता है, यल, मतलब जे के बाद 11वें स्थान पे क्या आता है, के, और 12वें स्थान पे क्या आता है, यल, मतलब जे के यल। तो 12 का मान क्या हो जाएगा, 9 इक्वल टू आपका यल यहाँ पर आंसर हो जाएगा, मतलब 9 के स्थान पे क्या आएगा, अक्षर यल आएगा, यह आपका आंसर हो जाएगा। तो इस ट्रिक से आप
कोई भी वैल्यू, जो भी इस तरह के कोई भी क्वेश्चन अगर आपको मिल जाए तो आप इस ट्रिक का यूज करके उसका आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। अगर वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो आप माइनस का, अगर वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो वहाँ पर प्लस का यूज करके आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि आज हमने इस वीडियो में देखा। अब इसके अगले वीडियो में जो हमारा क्लॉक का एक और टॉपिक बच रहा है अभी, दर्पण से संबंधित प्रश्न जिसमें पूछे जाते हैं, उसको हम ऐसे अगले वीडियो में देखेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रही है। और एक बात आपको बता दें कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तभी आप जो है वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल से हमारे जुड़ने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। और हाँ, वीडियो को आगे भी शेयर करिए जिससे कि आपके फ्रेंड को भी हेल्प मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।